In this question, we are given a string जिसमें हमें कुछ एक्सटेंशन दी गई है और इस एक्सटेंशन के बाद हमसे पूछा गया है कि इस स्ट्रिंग में मैक्स मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या डेवलप हो सकती है. देन मिनिमम फ्रिक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, और फर्स्ट हार्मोनिक के केस में अपने पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, 1/2L रूट टी बाई म्यू. देन टी की वैल्यू आपके पास है नहीं, लेकिन यंग मॉडुलस दिया हुआ है और इसके भी हाफ पर आपने टेंशन की वैल्यू लिखी वाई ए एक्स बाई नेचुरल लेंथ ऑफ रोप स्ट्रिंग, एंड मास पर यूनिट लेंथ इज गिवन रो इंटू ए. अब हम यहां पर ए और ए को कैंसिल करके फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू पता कर लेंगे. 1/2L इस मच, ए से ए कैंसिल होने के बाद 1/2L रूट वाई एक्स बाई एल इंटू एल की वैल्यू 1 दी हुई है. देन वैल्यूज पुट करके हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे. वाई 9×10⁻¹⁰, एक्स की वैल्यू है 5×10⁻²⁴, एल 1, और रो की वैल्यू 9×10⁻³. और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट 5000 अप्रॉक्सीमेटली. ये वैल्यू 70 के आसपास की होगी और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35 हर्ट्ज़.